उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए खबरों की तरफ मुखातिब होते हैं, आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच संपन्न हो गया। 19 जिलों में 89 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। कुल 55% मतदान हुए और मतदान को पूरी तरह से सफल बताया जा रहा है। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यहाँ जीत हमारी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब मुकाबला तो हो रहा है लेकिन अब रिजल्ट का इंतजार करना होगा। हम आपको बता दें कि गुजरात के कलोल में आज रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां के लोगों ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें आपको। आसनसोल के सांसद और जाने माने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आज पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को रविंद्र भवन में एक ड्रामा शो होगा और आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी एक्टिंग करते हैं और इस ड्रामा में वह खुद भी एक्टिंग करेंगे और उनके अलावा और दूसरे कलाकार भी इस ड्रामा में होंगे। और दूसरी बात ये बताई गई कि आसनसोल में कोर्ट और एसबी गोराई रोड की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है और भी कई तरह की बातें की गई। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए शत्रुघ्न सिन्हा ने और हेल्थ सुविधा को लेकर भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी है। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो इसके लिए वह प्रयास करेंगे। इस मौके पर विधायक हरिराम सिंह और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता वी शिवदास उर्फ दासू और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और दूसरे कई नेतागण मौजूद थे। একটা খুশির খবর আসানসোলের মানুষের কাছে। আমরা জানি যে আমাদের আসানসোলের সাংসদ তিনি একজন বিখ্যাত স্বনামধন্য ভারতের ভারতবর্ষের যারা সুপারস্টার তার মধ্যে অন্যতম তিনি অভিনেতা এবং আমরা জানি যে তিনি এখনো অভিনয় করেন। আমরা আসানসোলের মানুষ হিসাবে সৌভাগ্যবান যে আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে একটি নাটক ড্রামা যেটা আমি যতটুকু জানি খুব কমেডি মানে কমেডি ড্রামা সেই ড্রামা অনুষ্ঠিত হবে যার নাম হচ্ছে পতি পত্নী অর ম্যা। এখানে এই নাটক এর আগে অনেক আপনাদের মাধ্যমে এটা আমরা মানুষের কাছে আসানসোলের মানুষের কাছে এটা জানাতে চাইছি যে এই সুযোগ কেউ হারাবেন না কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাকে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখার সুযোগ আমাদের কাছে আসছে আমরা সেই সুযোগ দেখব। এবং ইয়ে আপনি কহা এই সারি বাতেন মানে এসে অবগত হুম মুঝে খবর দিয়া গিয়া হ্যায় মানে ইন লোগোন সে বাতচিত ভি কর রাহা হুম অর ভি কুছ এক্সপার্ট লোগোন সে বাত কর রাহা হুম उस एरिया के एमएलए से बात कर रहा हूँ। आपकी बातों में बहुत दम है। पहली बात का जवाब दे दूँ, मैंने 5 तारीख डेट नहीं दिया था लेकिन मिलूंगा उन लोगों से। अभी ये नहीं कहा वहाँ जाने का, मैं उन लोगों को कहा कि जब थोड़ा इससे फ्री हो जाता हूँ तो आप लोग आइएगा मेरे पास। मैं बड़े अच्छी मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई तो हमने कहा एक बार समझाइए, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने टीम के साथ इन लोगों के साथ वहाँ जाएंगे बात करके और जो होगा ज़रूर उठाएंगे। मैंने कुछ लोगों ने पूछा कि पार्लियामेंट में आप अभी तक ये कुछ यहाँ की बात लेके जाएंगे क्या? अरे लेके जाएं कैसे, अभी तक तो पार्लियामेंट चला ही नहीं है और आप तो जानते हैं और अभी भी जो पार्लियामेंट जो है
जो सो कॉल्ड 7 तारीख को किया गया, 8 को काउंटिंग है, भगवान करे सबका भला हो, लेकिन क्या होगा रिजल्ट, और रिजल्ट होने के बाद क्या होगा एटीट्यूड सरकार का इस पर या उस पर जो भी होता है, तो उसको इस मीटिंग को, ब्रीफिंग को मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहा हूं। तो जो होगा तो एटीट्यूड क्या होगा, कितने दिन चलेगा, 17 डेज की तो सीटिंग है इस बार, 17 डेज में क्या होगा, 9 मन तेल होगा क्या, राधा नाचेंगी कब होगा, क्या होगा, लेकिन मेरे पास कुछ प्रिपरेशंस हैं, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूंगा, और आसनसोल हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नंबर 2, आपने सिक्योरिटी गार्ड का कहा और जो कहा कि वो लोग कर रहे हैं, और कोल में जो आपने कहा कि हमारे यहाँ पे 45,000 लेबर फोर्स। रानीगंज में 17 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका नेतृत्व कर रही थी आसनसोल साउथ की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, और उन्होंने यहां जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी किया। बीडीओ कार्यालय के सामने वह अपने समर्थकों के साथ बैठी और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रानीगंज में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका वर्षों से निवारण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन को लेकर फर्जी तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। रानीगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी साधारण मानुषर जो समस्त दाबी से समस्त दाबी नहीं आज के रानीगंज बीडीओ साहेबर का आज के একদম নবান্নে যেন দিদির 14 তলায় পৌঁছায়, বলুন জয় জয় শ্রীরাম। এই মঞ্চের সমিতির অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েতে একটা জব কার্ডের জন্য গরিব মানুষকে একজন নেতা থেকে আরেকজন নেতার কাছে দৌড়াতে হয়, কাটমানি দিতে হয়, পয়সার বিনিময়ে জব কার্ড তাকে সংগ্রহ করতে হয়। আবার এমন ধরনের আছে অনুকারে আন্দোলনে বসে যাবে। আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে 31শে ডিসেম্বর ওয়ার্ক অর্ডার টেন্ডার দিয়ে আপনি মানুষকে আবার বোঝাবেন যে আপনারা কাজ করেছেন লাস্ট 5 বছর ধরে, এটা আমরা হতে দেব না। লাস্ট 5 ইয়ার্স ইউ আর হ্যাভিং ওয়ার্ক ফর দ্য পিপল, আপনি বলেছেন 1 মাসের মধ্যে আপনি কাজ শুরু করবেন, আমরা কিন্তু তার যোগাযোগে থাকবো, যা যা লিস্ট দেবার দিয়ে দেবেন, আর 1 মাস মধ্যে আমি আবার আসবো আপনার অফিসে, আর আপনি একা থাকবেন, আমি আরেকজনকে দেখা এখানে দেখা করতে আসি না। লাস্ট টাইম অলসো আমি এসেছিলাম, আপনি ওনাকে নিয়ে বসেছিলেন, ওনাকে নিয়ে নয়, আমরা সেই আই হ্যাভ কাম টু মিট ইউ নট হিম, না এটা তো আপনাকে আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, এর আগে বড় আমরা দেখেছি সেই জিনিসটা দাঁড়িয়ে সেই হসপিটালের ভেতরে কোন পরিকাঠামো, কোন ডাক্তার, কোন স্টাফ এখনো পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারেনি। এইটা আমাদের কিছু দাবি। আজকে আমার এখানে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় 5টা অঞ্চল আছে, 5টা পঞ্চায়েত, এবং সেখানে কোনো কাজ হয়নি। আজকে রাস্তা বলুন, আজকে ড্রেনেজ বলুন, আজকে লাইট বলুন, আজকে জলের ব্যবস্থা বলুন, কিচ্ছু হয়নি। শুধু তাই নয়, আজকে পুকুর বুঝিয়ে সেখানে প্লটিং চলছে, আজকে যেটা খাস জমি সেটা পাট্টা হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে দুটো এখানে ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজের তলা থেকে রানীগঞ্জ থেকে নোংরা ফ্যাক্টরি জল কেমিক্যাল সেটা এখানে ঢুকে সমস্ত ক্ষেতের জমি নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকে বলে নয়, বছর বছর ধরে হচ্ছে, এরা কোনো কাজ করেনি। তাই আজকে এসে আমরা এই 17টা বিন্দু বিডিও সাহেবকে ডেপুটেশন দিয়েছি, উনি 1 মাস সময় চেয়েছেন। 1 মাসের মধ্যে যদি এই 17টা বিন্দুর কাজ শুরু না হয়, আমরা আন্দোলনে বসবো, আমারও আন্দোলনে বসবো, ওনাকে জানিয়ে দিয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে আপনারা কেন্দ্র সরকার থেকে টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের কাজে টাকা দিচ্ছেন না।